6:16 हो गए। इधर ये पोस्टर था समझ में आए तो उसका मतलब भी कमेंट में बताइए। स्टेडियम स्टेडियम हमारा सर लोहारू तहसील में बारवास गांव पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट इसकी दीवानी है। पूछो क्या पूछ रहे थे। मैं पूछ रहा था कि ना सबसे मतलब आपने ना यूथ फेस्टिवल में बात क्या करवाया आपने उस गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं कराया। ये लंबी कहानी है। उसके जैसे ही उन्होंने बोला तो मेरे माइंड में शंकर जी की मूर्ति आई। सर केदारनाथ सर ने मेरे मुंह की तरफ देखा बोला केदारनाथ करा लोगे भाई खत्म नहीं करने दे रहा है। बीच में रोक दिया बोला सर 16 मिनट हो गए। तो ये हमारी जो लोकेशन है हमारा शूट यहाँ खत्म हो गया। अजय सर ने ऋषभ ने बहुत अच्छा काम किया। बड़ों को प्रणाम छोटों को प्यार। वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो आज अभी 6:16 हो गए हैं। अभी हम जो है मेरे घर से निकल चुका हूँ मैं और सबसे पहले जा रहा हूँ मैं रेलवे स्टेशन पर। ऋषभ पारिक जो कि बहुत ही अच्छा कलाकार है आर्टिस्ट है डायरेक्टर भी है तो मैंने आज उसको बुलाया है। तो आज एक छोटा सा शूट है। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम एक साइट पर जा रहे हैं गांव में और वहाँ जो है कुछ शूट करेंगे। एक पोएम है सर ने पोएम लिखी है। हमारे साथी हैं अजय मलिक जी उन्होंने एक पोएम लिखी है उनके खुद की लिखी हुई है। तो उस पोएम के लिए जो है वीडियो शूट करने जा रहे हैं फिर बाद में उसको एडिट करेंगे हम। तो आइए हमारे साथ। ये आ गया ऋषभ पारिक भिवानी से सुबह सुबह। मॉर्निंग। तो हमारे साथ ऋषभ पारिक जो है मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हमारे भिवानी से बड़े तगड़े ही आर्टिस्ट आने वाले हैं डायरेक्टर आर्टिस्ट। तो हमारे साथ जो है ऋषभ पारिक कनेक्ट हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही है ना ऋषभ की एक बहुत ही अच्छी मूवी आई थी हरियाणवी वर्सेस गुजराती करके मराठी शॉर्ट फिल्म थी। तो उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। और उसका जो पोस्टर था वो देखिए ये रहा ये इधर ये पोस्टर था। और बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग की है ऋषभ ने और सर। बहुत ही अच्छा शूट किया है बहुत बढ़िया ऋषभ। कैसी लगी सर पहला रिएक्शन क्या था आपका। और पहला रिएक्शन तो गजब था भाई जीतू मार गया। हंसी आई बहुत हंसी आई छोटे छोटे। कल मैंने जो है जो हमारे साथी हैं उनको भी दिखाई थी कि बोले ये वाला जो बंदा है ना ये भाई आ रहे हैं अपने को मैंने बुलाया है इनको। तो उन्होंने भी देखा वो बीच बीच में जो पंच लगा रखे थे बहुत ही हंसी आई। थप्पड़ पे थप्पड़ जो मारे थे बहुत गजब सीन आया बहुत अच्छा। तो आप भी लिंक पर जाइए वीडियो देखिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। समझ में आए तो उसका मतलब भी कमेंट में बताइए। हाँ मैं ऐसी फिल्में बनाता हूँ समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ये जो है ना जो बंटो थे ना कहानीकार वो एक लाइन में पूरी स्टोरी कह देते। तो इसी तरह ये केवल 4 मिनट की इतनी 4 मिनट की जो है शॉर्ट फिल्म है और 4 मिनट में बहुत कुछ कह जाती है। बहुत बढ़िया ऋषभ इसी तरह लगे रहो भाई। आपसे सीखा है बस यार तुम्हारी मेहनत है। सीखने वाले तो और भी थे हा? लेकिन उस चीज को आपने बढ़ाया अपने लेवल को अप किया अपने दम पे लेवल को अप किया तुमने ये चीज बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर। ओके फिर मिलते हैं अजय सर को लेते हैं फिर मिलते हैं दोबारा। तो भाई अजय मलिक जी जो है वो आ चुके हैं और कुछ कुछ रिश्वत लेके आए हैं पता नहीं अच्छा शूट करना हो यार। नमस्कार आपका स्वागत है हमारे दोबारा से ब्लॉग पर। मेहरबानी आपकी। और ये देखिए वे लेके आए कुछ साथ इसको छीनिए थोड़ा भी बोलते हैं अच्छा अगर शूट करवाना है तो कुछ खाते पिलाते रहो। शूटर चिल्ली भर के लाए हैं दिखाना दिल्ली बिल्कुल भर ये देखो जी ये रही है पैकेज पूरा लेके आए। पैकेज जरूरी है सर एनर्जी जरूरी है शूट के लिए। बहुत अच्छी जी भाई जी सर थैंक यू सर। Cash in the bag, stadium packed.
chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that stay back. सर बता रहा लोकेशन का हमारी, ये हमारा सर लोहारो तहसील में बारवास गांव पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट इसकी भिवानी है, हरियाणा जा रहे हैं। आज का जो शूट है वो बहुत ही क्रिएटिव होने वाला है, हमारे साथ क्रिएटिव बंदे हैं जो कि खुद भी स्टेज जान डाल देंगे, हाँ जान नहीं पूरी एनर्जी डाल देंगे, खुद भी तो क्रिएटिव सर आप मेन बात वही है सर। पूछो क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था कि ना सबसे मतलब आपने ना यूथ फेस्टिवल में जैसे आप पास आउट है गवर्नमेंट कॉलेज से, हाँ 2009 में मैं पास आउट हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज से। अच्छा। और 2010 में पहला जो है हमने हिंदी प्ले और संस्कृत प्ले कराया था। अच्छा, अगले ही साल आपकी उस पे चले हमने भी सेम एपीजे कॉलेज में कराया था, चरकी दादरी एपीजे कॉलेज। तो वहाँ जो है हमने चंदा बेटनी जनता कॉलेज नहीं एपीजे कॉलेज, एपीजे अलग है गर्ल्स कॉलेज, तो वो अब नहीं आते वो लोग कंपटीशन में, वो नहीं आते। तो 2009 में जो है मैं पास आउट हुआ, 2010 में पहला प्ले गवर्नमेंट कॉलेज से मैं पास आउट हुआ था 2009 में। उसके बाद एपीजे गर्ल्स कॉलेज वहाँ जो है मुझे एक्ट कराने का मौका मिला, तो वहाँ हमने जो है संस्कृत में तो अश्वत्थामा और हिंदी में चंदा बेटनी 2010 में कराया। उसके बाद फिर जो है 2010 में 11 में नहीं तो फिर तो 3-4 साल का गैप आ गया था। 2010 में जो है जो मेरी शादी हो गई पास आउट होते ही सर, हाँ पास आउट होते ही 2010 में शादी हो गई। तो शादी होने के बाद जो है घर वालों ने बंधन में बांध दिया, जाओ भी काम करो। तो छोटी सी दुकान कर ली मैंने, गारमेंट्स की शॉप कर ली। तो गारमेंट्स की शॉप की तो एक दिन अचानक से 2013 की बात है, 3 साल का गैप हो गया था, कुछ एक्टिविटी नहीं कराई थी बीच में। तो अचानक से मेरे पास एक कॉल आता है मेरे फ्रेंड का, सजन भाई का, हमारे पड़ोसी हैं, वो एमसीए कॉलेज में टीचर लग रहे थे। तो उनका कॉल आया कि रमन भाई 15 अगस्त है और आज 13 तारीख हो गई है, अब कॉलेज वाले जो है प्रोग्राम मांग रहे हैं, मैनेजमेंट का दबाव आ गया ये करना है। तो बोले भाई आप करा दोगे? मैं जो है बैटरी चार्ज थी फुल हमारी, 3 साल का गैप हो गया था, आजकल दुकानदारी में फंस गए, कहीं जो है एक्टिविटी छूट गई थी, लेकिन सपने तो आते रहते थे, कभी बच्चों में घूम रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तो फिर जो है मैंने यस बोल दिया, ठीक है मैं आ रहा हूँ। 13 तारीख को मैंने दुकान को बाहर से एक पोस्टर निकाला प्रिंट आउट, इस नंबर पर कॉल करें इमरजेंसी है, तो दुकान पर लगा दिया, दुकान को बाहर से लॉक करके मैं चला गया सीधा एमसीए कॉलेज चरखी दादरी, केएम एमसीए वाला कॉलेज जो है, जो भी है वुमेन्स कॉलेज ऑफ दादरी, नहीं 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 वो अच्छा ये एमसीए कॉलेज में चला गया, ये अलग है एमसीए कॉलेज में गया दादरी में भी, हाँ तो एमसीए कॉलेज में गए। तो वहाँ जाके मैंने बोला बच्चे तो बच्चे आ गए, मैंने तैयार कराया इधर से उधर से कर करा के प्रोग्राम रेडी, प्रोग्राम की प्रस्तुति बहुत अच्छी हुई, प्रेजेंटेशन अच्छी की बच्चों ने। और जो है एक दिन हमने वो किया 13 को, 14 को जो है मैंने परफॉर्मेंस रिहर्सल दिखा दी और 14 को पूरा दिन प्रैक्टिस कराई, तो जिससे हमारा रिजल्ट अच्छा आ गया। 15 को हमने परफॉर्म किया और अच्छी प्रेजेंटेशन रही, 15 को कराया। उसके बाद 26 जनवरी को फिर उन्होंने रिकॉल किया, 26 जनवरी आ गई तो मुझे अब की बार 1 वीक का समय मिल गया था, तो मैंने और क्रिएटिव कुछ सोचा। फिर आपको पैसे भी दिए उन्होंने, मतलब पैसे जी हाँ नहीं पता नहीं, जो फ्रेंड आपके आए थे, हाँ हाँ तो उन्होंने वो तो वहाँ नौकरी लगी, हाँ तो मान सम्मान कराया था उन्होंने। तो उस समय जैसे फ्रेंड के जरिए गया था तो उस समय पैसे की वैल्यू नहीं थी, उस समय उनकी आपका पैशन भी तो था, हाँ हाँ उनकी इज्जत की। फिर गवर्नमेंट कॉलेज में उसके बाद क्या करवाया आपने? गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं कराया, ये लंबी कहानी है। उसके बाद क्या हुआ, एमसीए कराया 26 जनवरी कराई नेक्स्ट ईयर, 14 में मैंने 26 जनवरी कराई, 26 जनवरी कराई, 26 जनवरी कराने के बाद में एमसीए से मेरे को एमबीए में भी बुलाया,
मैंने बोला भी MBA मैं करा दूंगा लेकिन MCA को भी मैं टाइम दूंगा फिर कभी आपका ये हो कि भाई आपने जहाँ करा रहे हो तो आप यहाँ नहीं कराओ जी हमें कोई इशू नहीं है। तो मैंने MBA और MCA कराया MBA MCA कराए और ये सारे संस्था पास पास है सारे कॉलेज। तो वहाँ पे जो है जनता कॉलेज के लेक्चरर भी बैठे थे उन्होंने एक्ट पसंद आया देखा और वो थोड़ा बहुत जानते भी थे कि हम मैं माइम में भी था तो कनेक्ट थे किसी न किसी दूसरे कड़ी से। तो उन्होंने मुझे 2014 में केदारनाथ की बाढ़ आई थी जब बाढ़ आई थी उस समय मेरे को कॉल किया नीरज सर है जनता कॉलेज में आज के तो नीरज सर का कॉल आया कि रमन एक बार मिलना था। मैं चला गया तो नीरज सर ने बोला कि माइम करा देगा करा दूंगा। नीरज सर बोले कि टॉपिक बोला जी नया टॉपिक उठाऊंगा मैं कोई पुराना है तो मैंने बोला कि मैं कोई पुराना टॉपिक नहीं उठाऊंगा ना किसी की हुई कराऊंगा मेरे को फ्रेश करानी है और नया टॉपिक कराऊंगा। तो मैंने बोल दिया फिर जो है नीरज सर बोले कि कौन सी कराएगा फिर बता टॉपिक बता। तो न्यूज में चल रहा था केदारनाथ की बाढ़ में ये हो गया वो हो गया बहुत शंकर जी की मूर्ति पानी लहरें जैसे ही उन्होंने बोला तो मेरे माइंड में शंकर जी की मूर्ति आई पानी लहरें वही न्यूज वाला चैनल का जो है ना वो सारा सीन आ गया। तो मैंने सर को झट से बोला सर केदारनाथ। सर ने मेरे मुंह की तरफ देखा बोला केदारनाथ करा लोगे? बोला हाँ सर करा लेंगे। मैं वापस आया मैंने जो अपने साथी है पुनीत गोड़ जी पुनीत गोड़ को फोन किया वो बैंक से आते हुए हर रोज मिलते थे मेरे पास सालावास थी उनकी तो वो बस से आते थे तो आते हुए मेरे से मिलके जाते थे। तो पुनीत भाई आए मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे बुलाया था और मैंने जो है वो यस कर दिया सर को बोले टॉपिक मैं बोला केदारनाथ तो पुनीत सर भी जो है ना यूं बोले ये क्या हुआ केदारनाथ फिर भाई बोला हाँ केदारनाथ दोनों हंसे खूब हंसे। उसके बाद मैं बोला चल भाई सीन क्रिएट करते हैं अब करना तो है तो सीन लिखने लगे। पहला सीन बोले भाई मंदिर का सीन कैसे दिखाएं तो घुटने को फोल्ड कर दिया ठीक है एक बच्चा आया शंकर जी के पास जल चढ़ाया घंटी बजाई तो ये सीन पहला सीन बन गया। फिर हमने दूसरा सीन किया तीसरा किया फिर जो घर जो है वो पानी में बह गए लहरें आई और उसके बाद जो है फौजी आर्मी को इंक्लूड कर दिया वहां से फिर हमने जो है आर्मी की माइम का हमारा बीज बोया आर्मी की माइम रेस्क्यू में जो आया जो गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी अभी तक करवाता है पूछता नहीं हो चुकी है जो माइम। उसके बाद जो है हमने केदारनाथ कराया और एक चीज और देखो यहाँ से हमारी माइम फर्स्ट आई जोन में इंटर जोन रोहतक हुआ MD यूनिवर्सिटी का वहाँ जो है फर्स्ट माइम जो आई वो भी केदारनाथ थी और हमारी माइम सेम टॉपिक हो गया था तो हमारी माइम थर्ड आई। नेक्स्ट ईयर जो है मैंने जो है फिर मेरा मूड था कि मैं कराऊं आर्मी पे रेस्क्यू वहां से आइडिया डेवलप हो गया ना रेस्क्यू किया था हमने जो आर्मी पे कराया तो मैंने आर्मी पे माइम क्रिएट तैयार किए पुनीत भाई और हमने दोनों ने मिलके बहुत अच्छे सीन क्रिएट किए उसको सीन क्रिएट करके म्यूजिक बनाया और हमारी जो है वो माइम जो है आर्मी के ऊपर तैयार हो गई आर्मी पर माइम कराई। तो फर्स्ट ईयर था वहाँ जो है सेकंड जोन में सेकंड आई हमारी जोन में नहीं निकला उसका अभी उस पर थोड़ा सा काम बाकी और था जोन में हमारी जो सेकंड आई माइम उसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर फिर हमने उसको अपडेट किया हम आगे थे तब 2016 में हाँ 2016 में हमने फिर अपडेट किया गुरु जी ने फिर जो है वहाँ पर पहले फर्स्ट ईयर मैंने ब्लैक माइम कराई थी केवल केदारनाथ पर सेकेंड ईयर जो है पंद्रह में आर्मी के ऊपर माइम हुई और करण भारम प्ले हुआ पंद्रह में संस्कृत प्ले मैंने वहाँ के लिए एडिट किया और वहाँ जो है पंद्रह में जनता कॉलेज में जो है करण भारम संस्कृत में पहली बार हमने कराया तो जोन में फर्स्ट आ गया संस्कृत प्ले माइम हमारी सेकंड आई थी। इंटर जोन में पहुंचे तो गुरुजी ने जो है प्ले देखा करण भारम गुरुजी का पहला रिएक्शन यही था रमन मेरा करना है सेम प्ले मेरा करना है
और मौला ठीक है गुरु जी, वहाँ जो है रवि मोहन जी भी आए, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, और सपड़ा सर भी आए गुड़गावा से, वो भी आके सब अच्छी देखे गए किसने तैयार कराया है, पंडित भाई और मेरे पास आए, उन्होंने नंबर भी लिया था तो हिंदी में अलग, उन्होंने सपड़ा सर ने तो नंबर भी लिया कि मैं कोई कॉलेज जाता है तो मैं आपको एज ए डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर मैं आपको बुलाऊंगा, तो हमने फिर बोला सर कोशिश कर लेंगे, बाकी मैं उस समय स्कूल में लग गया था, मैं 5 साल जो है जो गारमेंट्स की शॉप रही, गारमेंट्स की शॉप के बाद में जो है मैं वहाँ स्कूल में सर्वोदय स्कूल ज्वाइन कर लिया था मैंने, फिर जो है वहाँ से एक बार ये चौक रोड क्रॉस रहते हैं तो सर्वोदय स्कूल ज्वाइन कर लिया था मैंने, फिर जो है वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने प्ले कराया, गुरुजी के आदेश हो गए थे तो एपीजे अब्दुल कलाम जी की डेथ हुई थी, तो मेरा मन किया कि मैं माइंड जो है अब की बार एपीजे अब्दुल कलाम जी पे कराऊंगा, मेरा माइंड सेट हो गया था कि मैं जो टॉपिक नया टॉपिक जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी की जीवनी के ऊपर ही बनाऊंगा माइम। तो जनता कॉलेज से किसी कारण से कॉल नहीं आया, गुरुजी ने पहले ही बुक कर दिया था, जनता कॉलेज से कॉल नहीं आया, मैं वेट कर रहा था कि भाई कॉल आएगा और मैं जनता कॉलेज में जो है हम एपीजे अब्दुल कलाम जी पे कराऊंगा, तो गुरुजी ने जो है मेरे को बुला लिया, मैं वहां चला गया, तो जनता को एक गवर्नमेंट कॉलेज में फिर उस साल करण भारम कराया, और माइम गुरुजी को फौजी वाली आर्मी की माइम पसंद आई, उसमें गुरुजी ने भी कुछ टिप्स दिए तो उन टिप्स को हमने यूज किया, गुरुजी का अनुभव है बहुत माहिर, यूथ फेस्टिवल के सबसे ये दिग्गज पुराने खिलाड़ी, सबसे पुराने और बहुत एक्सपीरियंस है गुरुजी का, तो गुरुजी का एक्सपीरियंस हमें काम आया, गुरुजी ने कुछ हमें टिप्स बताए, कुछ सीन्स क्रिएट कराए, हेल्प कराई, गाइड किया, हमने फिर से आर्मी वाली माइम पे काम किया, और जैसे गाड़ी में बोलते हैं ना फेसलिफ्ट हो गया, तो उसका फेसलिफ्ट कर दिया, तो वो माइम हमारी जोन में फर्स्ट आई, इंटर जोन में फिर गए, सेकंड आई थी ना, इंटर जोन में सेकंड आई थी, काइट गए थे हम लोग काइट बोले तो बल्लभगढ़ के पास इंस्टीट्यूट है KIIT, मुझे लगा आप उसकी बात, हाँ उड़ाने वाली नहीं तो वहाँ रोहतक करवाई थी, रोहतक था ना इंटर जोन, तो जो फेस लिफ्ट किया था माइम का वो करवाई थी रोहतक गए थे, नहीं वो नेक्स्ट ईयर था, अच्छा रोहतक जो येलो ड्रेस पहनी थी तुम, येलो पेंट किया था रेड के, व्हाइट ड्रेस के ऊपर रेड बनियान पहनी थी, वो नेक्स्ट ईयर था, उससे पहले हम केम में जा चुके थे, हिमांशु था उसमें, जो आजकल बारों में दिवाली की एड में बहुत ही छाया हुआ है, बहुत गजब का मॉडल है, और बहुत सारी फोटोज मेरे पास शेयर करता है हिमांशु, मिलते रहते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे, बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, हिमांशु था, तो वो माइम जो है आज भी वायरल है, वो माइम मैंने यूट्यूब में लॉकडाउन के समय यूट्यूब पर डाली, तो अभी लगभग जो है 40,000 क्रॉस हो चुके हैं उस पे व्यू, और बहुत सारे लोग उसको मांग रहे हैं कि सर हमें कराना है तो हमें दे दीजिए, हम भी उसको कराना चाहते हैं कुछ एक्टिविटी में ये वो, तो उसका फिर मैंने सोचा कि भाई अगर मैं ये इस पे माइम का क्रिएशन में मेरे को मेहनत लगी है, इतना हैवी ट्रैक है, आर्टिस्ट का कॉपीराइट तो होता ही है, हाँ तो फिर मैंने उसका जो है ना एक अमाउंट कर दिया फिक्स कि अगर किसी को चाहिए तो वो 500 रुपए पे करे, भाई कुछ इसमें कुछ नहीं है, 6 बंदे पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्री करके आप करोगे तो हमारा भी इंस्टीट्यूट के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है 500, तो और दूसरा क्या फिल्टर हो जाते हैं, अब जो लोग फ्री वाले हैं वो फिल्टर हो गए, अब मान लीजिए ऋषभ पारिक जी कि आप भी हो और अजय सर भी हैं, दोनों ने माइम मांगी मेरे से, मैंने ये छोटी सी टर्म कंडीशन रख दी, तो अजय जी ने बोला लो जी वो ले गए, और आप जो है अप्रोच भी नहीं किया तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, तो आपने जो है वो
मना कर दिया तो कंपटीशन में कम से कम दोनों माइंड तो नहीं टकराएंगे आपस में। सही बात, आपस में ही तो नहीं टकराएंगे। तो फिर अभी केरला में बहुत छह माइंड वो, और वो माइंड बहुत सारी मेरे पास बच्चों के कमेंट आते हैं सर थैंक यू। जब जब तक हम उस चीज को लेते नहीं ना ट्रैक को, जब वैल्यू नहीं पता लगती, जब वो ट्रैक से विन करते हैं तब उनको एहसास होता है कि भाई हमने जो है ये तो कुछ भी अमाउंट नहीं है ट्रैक की। ट्रैक का अगर स्टूडियो में रिकॉर्ड करने जाओ तो लगभग 10 से 12 हजार आराम से स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग है इंस्ट्रूमेंट, इतने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को अरेंज करना और ये करना वो करना, लॉकिंग करना भी सर कहाँ आसान है। ये लोग मतलब माइम कराने के लिए जाते हैं 25-25, 30-30 हजार रुपए आराम से। हमारे छोटा सा शहर भी हुआ नहीं, इसमें लेते हैं लोग इतने तो 20-30 हजार रुपए, तो 500 रुपए तो कुछ तैयार मसाला मिलता है उनको, कुछ भी नहीं है सर, कुछ नहीं करना, ज्यादा और करना चाहिए और हिसाब से नहीं, ये बस एज ए टोकन है और इसमें मुझे ये नहीं चाहिए कि कॉपीराइट की वैल्यू, फिर उसकी वैल्यू होती है चीज की जिसके आप पे करते हो। बिल्कुल, बस केवल इसीलिए है ये। भाई खत्म नहीं करने दे रहा है, बीच में रोक दिया, बोला सर 16 मिनट हो गए तो मान गए 16 मिनट हो गए, बात तो पूरी करो या तो छेड़ो मत, स्टार्ट करके छोड़ दिया। पूरी सुनो, अब पूरी सुनो जी सर। तो वो हो गया, माइम हो गया, उसके बाद जो है गुरुजी ने देखा भाई करण भारम ठीक हो गया और कुछ कॉन्फिडेंस आया गुरुजी को हमारे ऊपर। गुरुजी ने बोला रमन हिंदी प्ले कराना है, कौन सा कराओगे? मैंने बोला सर शूद्र, शूद्र वो भी नया, हाँ माइंड में क्रिएशन तो चलती रहती है, क्या करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं। मैंने बोला गुरुजी शूद्र, गुरुजी ने आज तक नाम नहीं सुना, आज तक कहीं नहीं हुआ ये प्ले। तो गुरुजी ने तुरंत बोला स्क्रिप्ट दिखा, मैंने स्क्रिप्ट सुनाई, गुरुजी को पसंद आई, फिर हमने म्यूजिक पे काम किया। सबसे पहले हमने म्यूजिक पे काम किया, म्यूजिक पे काम करके हमने बच्चों की टीम ट्रायल लिया। तो उस समय कहीं कोने से ये जो है ये सुंदर सा कलाकार, स्मार्ट सा कलाकार निकल के आया और वहां से जो है हमारे टीम बननी शुरू हुई। तो उसमें ऋषभ पारिक, विशाल सैनी और एक मोहित, गुरुजी मोहित का तो आदमी है ना कि लाइब्रेरी के सामने घूम रहा था, मैं लेके आया था उसने, हाँ तो कह रहा हूँ विशाल, तो ये मोहित और ये लीड कैरेक्टर नहीं मिल रहा था तो गुरुजी को ढूंढ के लाओ आगे से। तो ऋषभ पारिक और ये के जो है हम लेके आए, ये ढूंढ के लेके आए। तो ये तीन बच्चों की टीम जो है ना अच्छी बनी थी, तीन बच्चे जो है अच्छा काम किया इन्होंने प्ले में, पूरा जो पिलर थे ना ये मेन पिलर यही थे। फिर तो सर संस्कृत नाटक माइम सब में अच्छा, और उसमें 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 जो है, हाँ उसमें जो है हिंदी प्ले में जो है शुद्ध किया वो फर्स्ट आया, माइम भी हमारी फर्स्ट आई और बहुत अच्छा अनुभव रहा, नाटक भी फर्स्ट आया था, संस्कृत नाटक भी फर्स्ट आया, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो आज भी देखो हमारे साथ ये भाई है ना एक कॉल पर ही आ चुके हैं यहाँ भिवानी से स्पेशल। सुबह सुबह जो है मैंने 4 बजे करीब 4:30 बजे फोन किया ऋषभ, हाँ भाई उठ ले टाइम हो गया है। तो ऋषभ जो है ऋषभ सुबह उठ के बोला ठीक है सर मैं आता हूँ, मैं बोला कि बाइक सो मत जाइयो, सो गया तो ट्रेन मिस हो जाएगी। तो ऋषभ को फिर मैंने कंफर्मेशन के लिए फोन किया 5:15 बजे, तो ऋषभ स्टेशन पर आ चुका था। देखिए सामने कितना अच्छा व्यू आ रहा है, लेते हैं तो वो जो है हमने शूद्र कराया था। उसके बाद ये पूरी जो कहानी है यूथ फेस्टिवल की मेरी रही, तो बहुत एंजॉय किया लाइफ को, बहुत सही। आप जैसे जो है ओनर जो स्टूडेंट मिलकर और भी हम जो है ना प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है कोविड हमने छोड़ दिया, अब ऋषभ पारिक को और विशाल आ गए थे तो ये अच्छे कलाकार निकले वहां से। तो इन्होंने और हमने फिर दोनों ने हमने एक प्ले किया 18 में हमने किया लोहा कुट, क्योंकि वो हमारी स्क्रिप्ट नहीं थी वो जो थोपी गई थी हम पर, जो थोपी गई थी, किसी ने बताया बहकाया, कोई नहीं
बैग ले लेंगे। तो वो जो है गुरुजी ने बताया कि भाई गुरुजी को किसी ने बहकाया, बताया नहीं बहकाया। विष्णु सहानी जी का विष्णु सहानी नहीं था वो, कोई मतलब ना वहीं का पंजाब के ही राइटर थे, कोई पंजाब का राइटर था, नाम ध्यान नहीं आ रहा। वो ट्रेडिशनल लिखते हैं। तो उनका जो है लोहा कुट गुरुजी ने बोला ये कराओ, ठीक है भाई कराना, गुरुजी का आदेश हो गया, मना कर नहीं सकते। तो वो किया, अच्छी प्रस्तुति रही हमारी, ठीक ठाक रही। हाँ, उसके बाद जो है ऋषभ और विशाल ने फिर 20 में हुआ नहीं सर, 20 में यूथ फेस्टिवल नहीं हुआ, 21 में 19 में सॉरी 19 में पिंजर करवाया था, 19 में फिर इन्होंने अपने दम पर पिंजर कराया और हम जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चले गए थे और आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चले गए थे। तो उसके बाद जो है अभी गोल आया था गुरु जी का, लेकिन वो यूथ फेस्टिवल जो है फिर से पोस्टपोन हो गए हैं, अब लगभग 1.5 से 2 महीने बाद होंगे। चलिए ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी थी आज की, अब लोग पूरा बता दिया यूथ फेस्टिवल की मेरी जर्नी, बहुत एंजॉय किया और बहुत मस्ती की। ओके तो ये हमारी जो लोकेशन है, हम यहाँ लोकेशन पर आ गए हैं। तो अब देखते हैं कैसे किस प्रकार अपने क्या क्या अनुभव दिखाते हैं। अब जो 20 साल का जो अनुभव है अभी ऋषभ दिखाएगा, देखते हैं। और अपने आईफोन I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. तो भाई अभी अभी हमारा शूट यहाँ खत्म हो गया। अजय सर ने, ऋषभ ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी मेहनत कर रखी है शूट के लिए। और भाई का भी बहुत अच्छा रोल रहा, बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और बहुत ही हमारी ये जो स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी पोएट्री, ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी और सभी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है इसमें। देखो हमारी बहस ने भी बहुत कोऑपरेट किया है, राम राम। ये ऋषभ जो है ये देखिए, ये भाई साहब शूट हो गया हमारा और अजय जी के मामा जी के गांव में है। और ये देखिए रील शुरू हो गई है, ऋषभ के मुंह में पानी आ चुका है देसी गाना देखकर। तो ये देखिए क्या क्या है हमारे पास आज ब्रेकफास्ट में, दाल है, चूरमा, देसी घी का चूरमा, दाल, दो तरह की चटनी, ये टू टाइप्स ऑफ चटनी, कचरी एंड एक सिंपल मिर्च वाली, जो मिर्च वाली लहसुन मिर्च, जीरे वाली दही, और ये कढ़ावड़ी के दूध की लस्सी सर, लाल रंग वाली देसी। तो भाई ब्रेकफास्ट करके आनंद आने वाला है, तो करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हाँ जी, हाँ जी, तो ये ले ब्रेकफास्ट, ये तो लंच हो गया हमारा। हाँ लंच हो गया, सेल्फी लेते हैं। सर ने चूरमे से शुरू किया है, दही चूरमे, चूरमा दही सर कर रहे हैं। सर कैसा लगा सर देसी पकवान आपको? भाई खाने दो, इसको बंद कर दो। चले चलो आओ फिर। तो अभी जो है अजय जी को हमने टाटा बाय बाय कर दिया, मामा जी के घर पे ही छोड़ दिया। और 10:48 हो चुके हैं और अब हम यहाँ से अपने मंजिल की ओर चलते हैं। जय बाबा, जय बाबा की।